केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी एक आदेश में भारत से होने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 मई तक बढ़ा दी गई है। 13 महीने पहले रोकी गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 अप्रैल को खत्म होना था। समर्पित कार्गो उड़ानें चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौतों के तहत उड़ानें संचालित होती रहेंगी। संक्रमण से हालात गंभीर होने पर कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने भारत से होने वाली यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दी है। शनिवार को बाइडेन प्रशासन ने भी भारत से होने वाली यात्राएं रोकने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक 4 मई से लोग भारत से अमेरिका के लिए यात्रा नहीं कर पाएंगे। हालांकि छूट प्राप्त लोगों को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है। अमेरिका ने ये प्रतिबंध अगले आदेश तक के लिए जारी कर दिया है। इनके अलावा कई अन्य देश हैं जो भारत को खतरे की सूची में डालकर यहाँ से यात्रा पर रोक लगा चुके हैं, और जिन देशों ने ऐसा नहीं किया है उन्होंने भारत से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की गाइडलाइंस को बेहद सख्त कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने 25 अप्रैल से 10 दिनों के लिए भारत से कार्गो फ्लाइट के अलावा दूसरी सभी उड़ानों पर रोक लगा रखी है। हालांकि यूएई के नागरिकों, दोनों देशों के डिप्लोमैट्स और डेलीगेट्स को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। कनाडा ने 23 से 24 अप्रैल की मध्य रात्रि से कार्गो फ्लाइट के अलावा सभी कमर्शियल उड़ानें 30 दिनों के लिए रोक दी हैं। हांगकांग ने 20 अप्रैल से 2 मई तक भारत से यात्रा पर बैन लगाया है। सिंगापुर ने भी उड़ानों को लेकर नए नियम जारी किए थे, जिसके मुताबिक 15 दिनों में भारत की यात्रा कर चुके लोगों के प्रवेश पर रोक दी गई, जबकि भारत से फ्रांस जाने वाले यात्रियों को प्री बोर्डिंग आरटीपीसीआर के अलावा देश पहुंचने पर अनिवार्य रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा। इनके कई खाड़ी देश हैं जिन्होंने भारत से होने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाई हुई है। कुवैत ने 24 अप्रैल से फ्राइटर्स के अलावा भारत से उड़ानों पर रोक लगा रखी है, जबकि कतर द्वारा ट्रैवल संबंधी जारी आदेश में कहा गया है कि देश में यात्रा करने वाले लोगों को 72 घंटे पहले के कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने होंगे। इनके अलावा ईरान ने भी 26 अप्रैल को एक आदेश जारी कर भारत से होने वाली उड़ानें रोक दी थी। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने 9 मई तक भारत से यात्राओं पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारतीय लोगों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए मशहूर मालदीव ने भी भारतीयों के लिए प्रतिबंध का ऐलान किया है। इनके अलावा इटली, जर्मनी, बहरीन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी भारत से आ रहे लोगों के लिए पाबंदी का ऐलान किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।